हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्री स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने चार फिगर बने हुए हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। एक वृत्त है, वृत्त में ये कॉर्ड है और ये कि ये कॉर्ड ये दूसरी है जो बाहर तक बढ़ाई गई है और ये स्पर्श रेखा है, इससे मिलाई गई है। इसमें ये दिया हुआ है एस क्यू और ये ओ आर, ये तीनों साइड आपस में बराबर है और दिया हुआ है क्यू एक्स, ये दूरी दी है 3, ये डिस्टेंस आपकी 3 दी है। पी क्यू दिया है 9, पी क्यू ये पूरा 9 दिया हुआ है। ओ एस ज्ञात करना है, ये डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। इसमें सबसे पहले हम आपको पहले बता चुके हैं, एक छेदक रेखा है, सिकेंट है, एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का स्क्वायर एस क्यू एक्स एस इक्वल टू होगा एक्स क्यू इंटू एक्स पी। इसमें आप लगा सकते हैं एस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स क्यू इंटू एक्स पी। एक्स एस एक्स का स्क्वायर एक्स क्यू है आपका 3 और एक्स पी 3 और यहाँ से यहाँ तक 9 है, क्यू पी 9 है, तो 9 और प्लस 3 एस एक्स का स्क्वायर 3 इंटू 12 इक्वल टू 36, एस एक्स आ गया 6 एस एक्स, ये साइड आपकी आ गई 6। जब ये 6 आ गई तो ये भी 6 है, ठीक है। तीन साइड आपस में बराबर थी, ये वाली साइड और ये पूरी साइड और ये साइड, तो ये भी 6 और ये 6 और ये 6, ये 3 है, तो ये कितनी बची, ये 3 बची। आपको निकालना है ओ एस, ठीक है। अब दूसरी थ्योरम हम पढ़ेंगे, इस वृत्त के अंदर जो है दो कॉर्ड एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसमें भी हम दूसरी थ्योरम लगाएंगे। ये तो पहली थ्योरम थी, दूसरी थ्योरम हम ये लगाएंगे ओ एस इंटू ओ आर इज इक्वल टू ओ पी इंटू ओ क्यू। ओ एस हमें ज्ञात करना है, अननोन है, ओ एस इंटू ओ आर, ओ आर 6 क्योंकि ये 6 आई है तो ये तीनों बराबर है तो ये 6 हो गई। ओ आर इक्वल टू ओ पी, ओ पी कहाँ से कहाँ तक है, ओ पी कितनी है, ओ एक्स ये 9 है, पी क्यू कितना है 9 है और आपका ये कितना आया है, ये टोटल कितना है 6 है और ये 3 है, ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है तो ये 3 माइनस कर दीजिए, ये 6 है, ओ पी 6 है, 9 माइनस 3 6, ओ क्यू कितना है 3 है क्योंकि पूरा 6 है, ओ क्यू 3 है, 6 कट गया, ओ एस आ गया 3। इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी। इसमें एक वृत्त इस तरह बना हुआ है, दूसरा वृत्त इस तरह बना हुआ है, ये आपका 60 दिया हुआ है। इसमें स्मॉल आर
दो दिया है कैपिटल आर, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आपको फाइंड करनी है। इसमें क्या करेंगे, इसमें सेंटर, इन दोनों के सेंटर को हम मिला लेंगे, यहां से मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप कुछ भी मान लीजिए, P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, यहाँ से आप लंब डाल दीजिए क्योंकि स्पर्श बिंदु है, तो ये इस पर लंब होगा, ये भी स्पर्श बिंदु है, इस पर लंब होगा, ठीक है। ये 60 है, ये कितना होगा, 30 होगा, ठीक है, 30 होगा। और ये आपका स्मॉल r दिया हुआ है 2, इस त्रिभुज में लगाइए, इसको MN मान लीजिए, पी एम सी में, त्रिभुज पी एम सी में साइन का फार्मूला लगाइए, साइन 30, साइन 30 लंब बटे कर्ण, लंब और बटे कर्ण सी पी, तो आपका सी पी हो, इसका इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो सी पी बराबर 4 आ गया, यहाँ से यहाँ तक 4 आ गया, ये वैल्यू आपकी 4 आ गई, और ये वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। और इसको आप मान लीजिए कैपिटल आर, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप पूरी वैल्यू निकालिए, पूरी वैल्यू सी क्यू, सी क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, और प्लस यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, और प्लस यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, ये सी क्यू हो गया। और सी क्यू आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जिस तरह आप इस त्रिभुज में लगाए हैं उसी तरह इस त्रिभुज में लगाइए, ट्रायंगल सी एन क्यू में साइन 30 इक्वल टू लंब क्यू एन, ये भी आर ही है, लंब बटे कर्ण, कर्ण सी क्यू, इसकी वैल्यू मत रखिए, सी क्यू ही लिखिए पूरी, 1/2, तो सी क्यू हो गया 2 आर, तो सी क्यू की वैल्यू यहाँ आप रख दीजिए 2 आर इक्वल टू 6 + r, 2r - r इक्वल टू 6, तो कैपिटल R आ गया 6 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा है MN और एक इसी के पैरेलल है ये AB, पैरेलल तो नहीं दिया है, CD, ये बिंदु CD है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें पहली चीज MN फाइंड करना है, MN फाइंड करना है, और AB 30 दिया हुआ है, और आपका CD दिया हुआ है 24, इतनी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें अगर आप इससे इस पर आप लंब डाल दें, तो लंब अगर आप डाल दें और तो ये CD कितना है, CD आपका 24 है, तो ये कितना हो गया, 12। और अगर ये AB आपका जो है वो 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 15, ठीक है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है, तो छोटी के लिए ये जीवा है तो उसको आधा आधा कर दिया, तो 12 हो गया, टोटल 24 था, और बड़े वृत्त के लिए जो है भी आधा करेगा तो ये 15 हो गया। अब हमको निकालना है कैपिटल, हमको निकालना है MN, तो इसके लिए हम इसको मिला लें, ये क्या है, ये आपका कैपिटल R है, इसको कैपिटल, बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये, और इसको भी मिला लीजिए, ये क्या है, ये स्मॉल R है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब इसको आप O मान लीजिए, इसको भी आप कुछ मान लीजिए, इसको
पी मान लीजिए। अब आप इस त्रिभुज में लगाइए ओ पी सी में, त्रिभुज ओ पी सी में आप ये वैल्यू हमें आर है पता है और ये वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक कितना है 15 है ठीक है, और ये कितना है ये आपका 12 है ठीक है। तो आप लगा रहे हैं ओ पी सी में, ओ पी सी में आप ये आप निकालिए ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर बराबर, ओ पी स्क्वायर बराबर आपका है ये आर इस कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है आर है, माइनस ये आपका क्या है 12 है क्योंकि टोटल 24 थी ठीक है। ये इक्वेशन वन हो गई। अब आप बड़े त्रिभुज में लीजिए ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में इसमें भी ये चीज़ कॉमन है तो वही चीज़ निकालिए ओ पी स्क्वायर बराबर ओ आर मीन कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आधार ए पी कितना है 15 का स्क्वायर, इक्वेशन टू हो गई। लेफ्ट साइड आपकी इक्वल है तो राइट साइड इक्वल कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 144 बराबर आर स्क्वायर माइनस 225 ठीक है, 225 इधर आ गया 225 माइनस 144 इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 181 ठीक है। इतनी चीज आई, आपको निकालना है एम एन, एम एन निकालना है। इसके लिए आप ये स्पर्श बिंदु है इसको मिलाएंगे तो इस पर लंब है ठीक है, और इसको मिला लीजिए ठीक है। तो ये क्या है आपकी कैपिटल आर है और ये क्या है स्मॉल आर है, आपको निकालना है ये एम एन, तो इतना निकाल लीजिए उसका दूना कर दीजिए तो ये कितना होगा, ये होगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण क्या है कर्ण आर है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस लंब आर स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ से आ जाएगी, दोनों पक्षों में वर्ग ले लीजिए वर्गमूल ले लीजिए, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई 9, तो 9 9 18 एम एन की वैल्यू आ गई 18। एक क्वेश्चन और लास्ट में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वृत्त का एक चौथाई भाग है, ये वृत्त का चौथाई भाग है, इस चौथाई भाग में जो ये त्रिज्या है, त्रिज्या के दो पार्ट हैं जिसमें एक इस प्रकार अर्धवृत्त बने हुए हैं ठीक है, और ये भी आपकी त्रिज्या ही है तो इसमें भी दो अर्धवृत्त बने हुए हैं। इसमें इन अर्धवृत्तों को छोड़कर जो पार्ट है शेडेड है इसका एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया आपको निकालना है, और इसमें ये आपको 7 दिया हुआ है, जो अर्धवृत्त बने हुए हैं ये 7 दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे का एरिया उसमें से ये चारों अर्धवृत्तों का एरिया माइनस कर देंगे, लेकिन जब ये माइनस होगा और ये माइनस होगा तो जब ये माइनस हुआ तो ये चीज़ तो उसमें आ गई, जब दोबारा ये माइनस होगा तो ये चीज़ दोबारा उसमें से माइनस हो रही है, इसलिए ये चीज़ हमको प्लस करनी पड़ेगी,
पूरे में से इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, लेकिन जब ये माइनस कर रहे हैं फिर उसके बाद ये माइनस कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ दोबारा उसमें माइनस हो रही है डबल, तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप नाम रख लीजिए ओ ए बी पी क्यू। तो सबसे पहले आप ये आपका वृत्त का, ये वृत्त का चौथाई भाग है, तो ये इस वृत्त की त्रिज्या है 14, 7 7 14। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका एरिया 154 होता है। तो इसका एरिया, त्रिज्या दूनी हो गई तो क्षेत्रफल चौगुना हो जाएगा। तो इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 154 × 4, ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल। लेकिन ये चौथाई भाग है तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे माइनस, या आप उस तरह लगा लीजिए, इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो 90 रख लीजिए, थीटा की जगह 90 रख लीजिए, इस तरह भी आ जाएगा। तो इसका जो एरिया है वो ये हुआ, इसमें से माइनस हम करेंगे इन चारों का एरिया, इन चारों का एरिया। तो इन चारों की जो त्रिज्या है वो कितनी है, व्यास 7 है, त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, तो 4 है, तो 4 × किसी एक का एरिया, तो एक का एरिया पाई, पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 7/2 है, 7/2 अपॉन 2, क्योंकि ये आधा है, ठीक है। पूरे पूरे का एरिया उसमें से चारों का आपने माइनस किया। अब ये जो चीज़ कॉमन है इसको प्लस करेंगे, इसका एरिया जो है प्लस होगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकालने के लिए आप इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये आपका एक वृत्त का चौथाई भाग है, उसमें से ये हम समकोण त्रिभुज, ये वाला जो पार्ट है समकोण त्रिभुज, वृत्त के चौथाई भाग में से ये समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल दें तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, फिर दूना कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा। तो उसके लिए हम ये वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल निकालें, तो ये आपका हो जाएगा पूरे का जो है वो क्या हो जाएगा, क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपका 7/2 है, 7/2 पाई आर स्क्वायर, चौथाई भाग है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। माइनस उसमें से आप करेंगे समकोण त्रिभुज का एरिया, उसमें से समकोण त्रिभुज का एरिया माइनस करेंगे 1/2 गुणे आधार, आधार 7/2 गुणे ऊंचाई 7/2, ठीक है। तो आपने वृत्त के चौथाई भाग से समकोण त्रिभुज का एरिया माइनस किया तो ये आया, और आपको टोटल निकालना है, मींस दूना करना होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 4 कट गया, 154 माइनस 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से ये काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 77 आ गया, प्लस प्लस 2 × ये वाला, आप 7 से 7 काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 11, ठीक है, 11 × 7 = 77, और ये 2 नीचे आ जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 7 × 7 = 49/8 ये आया, इसमें से घटा दीजिए 77 प्लस 2 × 1/8 बाहर ले आइए, 9 × 8 = 17, 6 × 4 = 2, 2 × 6 = 8 और 4 × 7 = 28, 77 × 7 = 84 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल आ गया है।
अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ सवाल हम और देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।